हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गए थे बहन के घर, क्योंकि उनके यहाँ फंक्शन था। तो मैंने कल आप लोगों को बताया ही था कि कल का ब्लॉग खास होने वाला है। तो हम लोग बहन के जाने वाले, तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना पंखे के नीचे बैठे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ कहने को नहीं। तो बस हम रेडी हो गए हैं और अब जाने वाले हैं। माउथ तो बस बैठी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी देर में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी ठंडक हो जाए, तब चलते। शाम को रेडी हो गए थे, तो बस काम वाम सारा हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलो बर्तन धुल के रख देती हूँ। सब कुछ काम करने के बाद फिर हमने कहा चलो हम निकलते हैं और आप ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और 10K सब्सक्राइब बस मेरे पूरे करिए। तो बस हम पहुंच गए हैं अपने सिस्टर के घर पे। तो आप लोग देख सकते हैं उनके बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, और ये बैलून फुला के चारों तरफ फेंक दिए हैं, कह रहे हैं सब समेट के चरण लगाते हैं बैलून। तो ये अब बैलून लेकर के जा रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि वहीं पर केक वगैरह रखा हुआ है सब। तो फिर ये सारे बैलून उठा उठा के जा रहे हैं आगे। ये अभी आज गमले लाई हुई है, पेड़ पौधे बहुत दिनों से लगे हुए थे छोटे छोटे, लेकिन वो सारे सूखे जा रहे थे, क्योंकि मिट्टी लगा के नीचे रख दिए थे, तो वो सब सूख रहे थे। तो आज गमले मंगाए हैं और उसी में लगाए हुए हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये देखिए उसमें मिट्टी भर के रख दी है, और जो छोटे छोटे पौधे थे वो लगा दिए हैं पेड़। तो ये उसके प्लांट सारे सूख गए थे, तो उसने कहा कि आज मैंने मंगाए हुए हैं। ये देखिए बैलून रख लिए हैं, हवा में उड़े जा रहे थे, टेप नहीं था तो इसलिए चिपक नहीं रखते, करीब मेरे आसपास ही रख दो। काव्या कहने लगी कि मेरे पास में नहीं रख दो, तो बस वहीं पर रख दिए हैं बैलून। और बस केक कट होने वाला है, सब लोग रेडी हो गए हैं, तो बस बैठे हुए थे। ये दिखा रही है कि मेरी 9 वाली कैंडल है, और मैं 9 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अब आज से मैं 9 ईयर हो जाऊँगी। तो ये मेरी 9 वाली कैंडल है। बस कैंडल जल चुकी हैं और काव्या तैयार हो गई है केक काटने के लिए, तो बैठी हुई है। अब काव्या के मम्मी पापा देखो आ गए हैं, और ये उसके तिलक लगा रहे हैं दोनों लोग। ये देखिए तो बस और ये काव्या का छोटा भाई है। तो केक काट रहे हैं और सब लोग हैप्पी बर्थडे इसके चिल्ला रहे थे। काव्या को केक खिला रहे हैं और काव्या के फेस पे भी लगा देते हैं सब लोग।
तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए प्लीज़। आप लोग 10K सब्सक्राइबर मेरे करवाइए, आप लोगों को सपोर्ट ही की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स तो हम लोग बैठे हुए हैं रूम में, आप देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ वहीं पे रूम में, तो कह रही थी कि केक खा लीजिए सब लोग, तो बस सबको केक काट के दिया जा रहा है। और अभी बुलाया था पानी, तो कहने लगा पानी पी लो, केक खा लिया था हम लोगों ने बस, केक खाने के बाद फिर ठंडा पानी, मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ठंडा पानी लाया तो पी लिया। फ्रेंड्स तो ये देखिए बस्ती के अंदर का व्यू है, तो ये इस साइड बाहर है और इस साइड अंदर, देखिए कितनी घनी बस्ती है, बहुत ही ज़्यादा घनी बस्ती है, अच्छा लगता है। ऊपर शाम के टाइम जैसे छत पे चढ़ जाओ तो रात में लाइट ही लाइट चारों तरफ दिखती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए धूप थी अभी, तो धूप में सारा सन्नाटा पसरा हुआ था पूरी गली में, कहीं कोई परिंदा नहीं दिख रहा है। ये देखिए फिर कोई नहीं है, बिल्कुल सनासन मकान ही मकान दिख रहे थे। दरवाजे उसे दरवाजे ही लग रहे थे, तो ऊपर सीमेंट वगैरह चपकी थी, उस नानी तो उन्हीं को निकाल रहे थे, और तो पूरा कंप्लीट होने वाला, बस टाइल रह गए हैं, तो टाइल लगेंगे 2-4 दिन के बाद टाइल लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, और आप लोग बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, मेरे 10K सब्सक्राइबर पूरे करिए और लाइक करिए इसी बात पर। तो बस मैं अब कर रही हूँ एंड, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई